कौन स्लैटर गुनाह नहीं है, गैर कानूनी नहीं है, खाना गैर कानूनी है। लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि ये किसान का लॉ है। जो भी जितने भी एक्ट लाए हैं ये सब इंटरलिंक करते हैं एक दूसरे को। किसानों को अन्नदाताओं को यहाँ से ये मैसेज देते हैं कि मुल्क के किसी भी कोने में हर एक बाशिंदा आपके साथ है इस लड़ाई में। गरीब को और गरीब करो, अमीर को और अमीर करो, ताकि गरीब अपने भूख, खाना, कपड़ा, लत्ता, घर के परेशानी में उलझा रहे। अडानी अंबानी ये जसकान को खरीदेंगे, इन्हों पर मिनट 10-20 रुपए लगाए तो भी गुलमर्ग के शहर के अवाम को भरना पड़ेगा। कि ये आप तक भी आग आप तक भी पहुंचने वाली है। एक्चुअली ये जो भी कानून ये लोग ला रहे हैं हर कॉमन मैन को इसका नुकसान होने वाला है। ये नाकारा हुकूमत है, ये निकम्मी हुकूमत है, ये बेशर्मों की हुकूमत है, ये चोरों की हुकूमत है। विनती करती हूँ 26 तारीख पूरा देश भर में एक देश प्रेमी आंदोलन होती है, उस आंदोलन में हमारे युवा लोग, हमारे बच्चे, महिला, पुरुष सभी लोग इकट्ठा होकर हम लोग के ऊपर आना जरूरी है। आज किसान परेशान है, अपने बच्चे को खाना नहीं खिला सक रहा। वैसे किसानों को ये 13 साल गाय पालने के लिए, बैल पालने के लिए कह रहे हैं। गुलबर्गा यूथ फोरम यहाँ से अलन ऐलान करता है, डंके की चोट पर उस बिलों के खिलाफ है। ये जो भी जितने भी एक्ट लाए हैं ये सब इंटरलिंक करते हैं एक दूसरे को। ये ऐसे बिल पास करे हैं, ये पूरे काले बिल है। ये काले बिल लाने का मकसद मोदी गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही है, वो काला बाजारी करना चाहते हैं। किसानों को अन्नदाताओं को यहाँ से ये मैसेज देते हैं कि मुल्क के किसी भी कोने में हर एक बाशिंदा आपके साथ है इस लड़ाई में। जब तक आपके साथ है, जब तक ये बीजेपी गवर्नमेंट, ये नालायक निकम्मी गवर्नमेंट, ये अपने जो है ना किए हुए गलती को मान नहीं लेती और ये कानूनों को वापस नहीं लेती, जब तक ये मूवमेंट चलेगा इंशाल्लाह। यूथ फोरम की जानिब से आज यहाँ पर एक दिन का प्रोटेस्ट हमारा ये रखा गया है। इंशाल्लाह हम यहाँ से ये ऐलान करते हैं, जब तक ये बीजेपी गवर्नमेंट अपने हरकतों से बाज नहीं आएगी, जब तक ये बीजेपी गवर्नमेंट अपने कानून वापस नहीं लेगी, चाहे वो किसान हो, चाहे वो गौकशी का मामला हो, चाहे वो कोई भी काला कानून हो जो संविधान के खिलाफ है, गुलबर्गा यूथ फोरम यहाँ से अलन ऐलान करता है, डंके की चोट पर उस बिलों के खिलाफ है। हम यहाँ से ये ऐलान करते हैं। कैटल स्लॉटर बिल एक ऐसा बिल है जिसमें ना सिर्फ गाय बल्कि बैल, भैंस या फिर अन्य जीव जो उनको जो है ना आप काट के खा नहीं सकते, इस तरीके की पाबंदी लगाई गई है। और अगर कोई भैंस को अगर खाना है तो वो 13 साल की होने के बाद उसको आप काट खा सकते हैं, इस तरीके का फरमान जो है ना स्टेट गवर्नमेंट ने लागू किया है। तो इससे ये होगा कि आने वाले दिनों में 40 लाख व्यापारी अपना रोज़गार खो देंगे। बहुत सारे ऐसे ना सिर्फ कुरैशी बिरादर मगर इससे जुड़े हुए बहुत सारे और भी लोग हैं, जिस तरीके के चमड़ा के कारोबारी वाले लोग हैं, ये लोग भी नुकसान में आ जाएंगे। जो छोटे मोटे किसान हैं जो गाय का दूध निकाल के अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, वो लोग भी, ये किसान लोग नुकसान उठाएंगे इसका। तो हमारा ये तमाम बिलों के खिलाफ एहतजाज है। शाहीनबाग में एक दिन का जो सत्ताग्रह धरना रखा गया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जो काले कानून हिंदुस्तान की 140 करोड़ अवाम के ऊपर थोपा जा रहा है, हिंदुस्तान की अवाम से मैं गुजारिश करता हूँ, ये बिल, ये पांचों बिल किसानों के हो या गांव कच्ची हो या इलेक्ट्रिक सिटी बिल हो, अब नया नाटक गुलबर्गा में भी शुरू हुआ है, इलेक्ट्रिकल सिटी बिल, लाइट बिल वाले जो आते हैं डोर को राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड मांग रहे हैं, ये भी जसकाम प्राइवेट में जा रहा है। 5 रुपये पर मिनट बिल जो है आपका, अब आगे जाको अडानी अंबानी ये जसकाम को खरीदेंगे, इन्हों पर मिनट 10-20 रुपए लगाए तो भी गुलमर्ग के शहर के अवाम को भरना पड़ेगा। कौन स्लैटर गुनाह नहीं है, गैर कानूनी नहीं है, खाना गैर कानूनी है, क्योंकि इन लोगों ने कर्नाटका स्टेट में 4-4 स्लैटर हाउसेस हैं और उनको कई एक सब्सिडी मिलती है। गौकशी जहाँ पर गाय को काटा जाता है, जो बहुत बड़े बड़े कंपनीज हैं, वैसे कंपनीज से आज हर दिन 60 करोड़ रुपए का गोश्त एक्सपोर्ट होता है, 60 करोड़ रुपीस का गोश्त कर्नाटका से एक्सपोर्ट होता है। तो एडी हमें यहाँ गोश्त खाने से मना करते हैं और
35 करोड़ का चमड़ा जो लेदर एक्सपोर्ट होता है, रोज़ के 100 करोड़ का बिजनेस कर्नाटका स्टेट से होता है। सोचिए अगर ये एक्सपोर्ट होना बंद होगा, अगर हम गोश्त काटना अगर लोकल में बंद करेंगे तो एक्सपोर्ट एक 60 करोड़ का नहीं बल्कि रोज़ के 120 करोड़ का उनका अपनी सिर्फ अपने कमीशन बढ़ाने के लिए लोग काम कर रहे हैं। और अगर गौ माता, वो लोग गौ माता कहते हैं और गौ माता को जो लोग का स्लॉटर हाउसेस में काट रहे हैं वो क्या है? अगर वो गैरकानूनी है तो फिर उन्होंने स्लॉटर हाउसेस को क्यों 68 करोड़ की सब्सिडी देते हैं? सिटी का जो कानून जी ये लोग फिर अमेंडमेंट करके जो इसमें प्राइस बढ़ा रहे हैं, मैं पूरे गुलबर्ग की आवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये आप तक भी पहुँचने वाली है। ये एक्चुअली ये जो भी कानून ये लोग ला रहे हैं हर कॉमन मैन को इसका नुकसान होने वाला है। इनका भक्ति से या इनका धर्म से कोई इनका ताल्लुक ही नहीं है इनका। अगर ऐसा अगर होता तो सब में पहले ये लोग बीफ एक्सपोर्ट को बंद करते थे। जब बीजेपी हुकूमत जब सत्ता में आई थी 2014 में, उस वक्त हिंदुस्तान 10वें नंबर पर था एक्सपोर्ट में और आज 3रे नंबर पर है। क्यों? ये यही इनकी भक्ति है, यही इनकी गौ माता से मोहब्बत है। ये लोग सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं और ये लोग हुकूमत नहीं चला रहे हैं, एक्चुअली ये लोग दलाली कर रहे हैं, कॉरपोरेट की दलाली कर रहे हैं ये लोग, हुकूमत नहीं कर रहे हैं ये लोग। आज मैं गुलबर्गा यूथ फोरम के सभी हमारे भाइयों को मैं सलाम कहती हूँ कि इस देश का दूसरी आज़ादी लड़ाई शुरू हो गई है और इस देश प्रेमी आज़ादी लड़ाई में हमारे यूथ्स लोग उनका आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और गुलबर्गा से भी ये आवाज़ बहुत हिम्मत से आगे आ रही है। मैं इसीलिए सभी हमारे यूथ्स को सलाम कहती हूँ। मैं विनंती करती हूँ 26 तारीख पूरा देश भर में एक देश प्रेमी आंदोलन होती है, उस आंदोलन में हमारे युवा लोग, हमारे बच्चे, महिला, पुरुष सभी लोग इकट्ठा होकर हम रोड के ऊपर आना जरूरी है। जैसा NPR NRC के समय में हमने उस समय बोले, इस देश हमारा है, ये अदानी अंबानी का नहीं है। इस देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी बौद्ध जैन लिंगायत आस्तिक नास्तिक सभी लोगों का ये देश है, ये बहुसांस्कृतिक परंपरा का देश है, ये भाविक परंपरा का देश है, सूफी संतों का देश है। इस देश में अदानी अंबानी का राज नहीं चलेगा, ये हिटलरिज्म नहीं चलेगा। कर्नाटका स्टेट में जो कॉ स्लॉटर बिल लेकर आया गया, जो बताया जा रहा है कि बिल मुसलमानों के खिलाफ है, उस पर रोशनी डालने के लिए, ये बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं, ये बिल भी किसानों के खिलाफ है, ये बिल भी पूरी आम जनता के खिलाफ है, ये बिल भी उसी तरीके से नुकसान करेगा जिस तरीके से नोटबंदी ने किया, जिस तरीके से GST ने किया, उसी तरीके से ये बिल भी जनता को परेशान करना, क्योंकि BJP ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉलो, उनकी रूल्स को फॉलो कर रही है। गरीब को और गरीब करो, गरीब को और गरीब करो, अमीर को और अमीर करो, ताकि गरीब अपने भूख, खाना, कपड़ा लत्ता, घर के परेशानी में उलझा रहे, सरकार से कोई आकर सवाल ना करे। एंटी कॉ स्लॉटर बिल जो किसान को गाय बैल भैंस बेचने नहीं देता, वो लोग 13-13 साल तक पाल कर उसे कैसा संभालेंगे? आज किसान परेशान है, अपने बच्चे को खाना नहीं खिला सक रहा। वैसे किसानों को ये 13 साल गाय पालने के लिए, बैल पालने के लिए कह रहे हैं, उसके वो बिल के ख़िलाफ़ भी हम लोग आज यहाँ पर बैठे हैं सत्याग्रह पे। तो आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि ये तीनों बिल को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाए। कल ही सरकार को कहा था कि ये बिल पर आप स्टे लगा सकते हैं या इस बिल को सुप्रीम कोर्ट स्टे लगाए। तो आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, इस बिल को स्टे लगाया है। इसके बाद भी हमारा आज का ये जो टाइमिंग थी प्रोटेस्ट की वो तो जारी ही रहेगी। उसके बाद कॉ स्लॉटर बिल के ऊपर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में नौजवानों की तरफ से एक मीटिंग रखी जाएगी। उसके बाद इस बिल के बारे में भी इंशाल्लाह जो हमारा प्रोटेस्ट पहले जहां पर होने वाला था वहीं करके बताएंगे। लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि ये किसान का लॉ है, एक आम आदमी के कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि किसान जो बोता है, जो पेरता है, जो हम लोग को खाना देता है, उसके लिए कोई मसला नहीं है। वो कभी भी अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकता है। और ये जो भी कॉरपोरेट, ये जो है एंटी फार्मर एक्ट है, एंटी पीपल एक्ट है और एंटी ये जो है प्रो कॉरपोरेट एक्ट है, जो कॉरपोरेट को पैसे वाले बनाने वाला और गरीब को भिखारी बनाने वाले ये लॉस हैं। दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में तकरीबन 10-11 डिग्री सेल्सियस की कड़कड़ाती हुई
सर्दी में पिछले कई महीनों से धरना दे रहे हैं, उसके बावजूद भी मोदी हुकूमत के कान पर जू नहीं चढ़ती। मगर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी हुकूमत को लथाड़ते हुए कहा कि फार्मर्स के प्रोटेस्ट को हुकूमत संभाल नहीं सक रही है। ये नाकारा हुकूमत है, ये निकम्मी हुकूमत है, ये बेशर्मों की हुकूमत है, ये चोरों की हुकूमत है। आप देखेंगे ये लॉ जिसके हक में बनाती है वो उनके खिलाफ खड़े होते हैं। अब हुकूमत ने इस देश के अन्नदाता, इस देश के किसानों से पंगा लिया है। आने वाले दिनों में बताया जाएगा इस देश का जवान, इस देश का किसान, जो किसान 60 से ज्यादा किसान इस धरने में शहीद हुए हैं, और नौजवान जो बेरोजगार हुए हैं, यही नौजवान और किसान इस देश के मिलकर मोदी हुकूमत को, नरेंद्र मोदी को तख्त पर बिठाए थे, और यही नौजवान और किसान मिलकर आने वाले इलेक्शन में तख्ते पर लिटाएंगे। पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि गुलबर्गा में एंटी काउ स्लॉटर बिल का ऑर्डिनेंस चोर दरवाजे से लाने के बाद में गुलबर्गा में किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। आज उस आवाज़ को गुलबर्गा यूथ फोरम के प्लेटफॉर्म से उठाया गया। I never think, I never know, I'm stuck.